सब्सक्राइब करन्तु एजुकेशन एम्पायर चैनल को बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करन्तु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। प्रथम अपडेट रही ओसेपारु लेटर नंबर रही 9658 डेटेड रही 8/10/2021 लेटर टी कर टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स एक्सेप्ट गंजाम जगत सिंहपुर खोर्धा एंड सोनपुर। सब्जेक्ट रही फंड ट्रांसफर फॉर द ईयर 2021-22 अंडर एसएस एलिमेंटरी एजुकेशन। तो देखो 2021-22 शिक्षा वर्ष एलिमेंटरी एजुकेशन फंड ट्रांसफर कर दी जाए यह बाबद 8,540.73700 लक्ष टा सांसन कर तो बड़ अपडेट टे देखा परवर्त अपडेट। डीओ गंजाम रू लेटर नंबर अच्छी 15,745 डेटेड अच्छी 11/10/2021 लेटर टी कर गंजाम जिलार समस्त पीओ को। सब्जेक्ट रही मीटिंग ऑन प्रमोशन एंड काउंसलिंग ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स। तो गंजाम जिले में कार्यरत समस्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री मानी खुशी खबर टे रही एलिमेंटरी टीचर मानक प्रमोशन और काउनसेलींग मीटिंग रखी। तो मीटिंग डेट रही 16/10/2021 समय रही 11:00 AM कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गंजाम बरमपुर। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस रे मीटिंग टी रखाई तो बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट। डीपीसी नवरंगपुर ऑफिस ऑर्डर ऑर्डर नंबर रही 2681 डेटेड रही 7/10/2021 ऑर्डर टी रही जेटीसी मानी खुशी खबर टे जिले में कार्यरत 600 जन जेटी जूनियर टीचर कंट्राक्चुअल मान जो मानकर 3 वर्ष चाकरी कंप्लीट हो सारी से मानक जेटी भाव में आपॉइंट दिया जाए से मानक रेमुनरेसन रही 10,452 9,200 आज रेमुनरेसन और 12,52 ईपीएफ। तो बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघर दाबी 2005 पेंशन व्यवस्था लागू कर। भुवनेश्वर प्राथमिक शिक्षकों पर 2005 पूर्व प्रचलित पेंशन व्यवस्था लागू कर अवसरकालीन सुविधा दियो ठिका निजुक्ति व्यवस्था बंद कर यह दावी कर प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ नचे आगामी दिन में आंदोलन हो शिक्षक मैंने संघ पक्ष विभिन्न दावी को नहीं प्राथमिक शिक्षा आम संगठन आम दायित्व शीर्षक एक आलोचना चक्र होता सभापति ब्रह्मानंद महाराणा कहते ठिका निजुक्ति शिक्षक निजुक्ति उच्चशिक्षित युवगोष्ठी को सरकार शोषण करवसर पर अवसर कालीन सुविधा सुजोग पेंशन व्यवस्था लागू करूना। प्राथमिक शिक्षकों पर 2019 जो क्याडर संशोधन कले से शिक्षक को बहुभाग विभक्त कर आर्थिक सुविधा सुजोग नद से पदमर्यादा क्षुण्ण कर विचार हो। प्राथमिक शिक्षकों को केन्द्रीय हार में दरमा दि जाऊ नूतन पेंशन व्यवस्था बातिल कर पुणा पेंशन और अवसर कालीन सुविधा दि जाऊ नचेत आगामी दिन में आंदोलन होती। तो बड़ अपडेट टे देखा परवर्त अपडेट। ओसेपारु लेटर नंबर रही 9,471 डेटेड रही 5/10/2021 लेटर टी कर समस्त डीओ डीपीसी और बीओ को। सब्जेक्ट रही ऑब्जर्वेंस ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 लेटर नंबर रही रेफरेन्स 829 डेटेड 23/9/2021। विजिलेंस सचेतनता सप्ताह पालन पर लेटर टी जारी कर मैडम सर इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द लेटर एंड सब्जेक्ट सेटेड अबव आई एम टू इनफॉर्म यू दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व द विजिलेंस अवेयरनेस वीक फ्रॉम 26 अक्टोबर टू 1 नवंबर 2021 विथ द थीम इंडिपेंडेंट इंडिया एट द रेट 75 सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रिटी स्वतंत्र भारत 75 सत्यनिष्ठार आत्मनिर्भरता। तो देखो समग्र राज्य 26 अक्टोबर रु 1 नवंबर 2021 पर्यंत विजिलेंस सचेतनता सप्ताह पालन करा जिबो। ता सहित थीम रही स्वतंत्र भारत 75 सत्यनिष्ठार आत्मनिर्भरता। 26 अक्टोबर 2021 रे दिबा 11:00 समय रे समस्त जनसाधारण एवं ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक शपथ पाठ ग्रहण करा जिबो। ता सहित कहुए COVID-19 रो समस्त गाइडलाइन पालन करा जिबो। स्टेप्स बी टेकन टू ऑर्गेनाइज दि इंटरनल हाउस कीपिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग दि विजिलेंस अवेयरनेस वीक एट आनेक्स सी। तो आनेक्स सी में रही किपरि कर सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स मीडिया क्लिप्स बी सेंड बाय ईमेल एट द एड्रेस ईमेल आईडी दी जाएगी। तो देखो सिलेक्टेड फोटोग्राफ जो वीकली कार्यक्रम रही तार फोटोग्राफ कि मीडिया क्लिप यही ईमेल आईडी जरिया सबमिट करने सेंड करने कहुई। फील्ड अप एक्टिविटी रिपोर्ट ऑन विजिलेंस अवेयरनेस वीक बी सबमिटेड एज पर आनेक्स जी टू द स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस इमीडिएटली। तो सप्ताह जाकर एक्टिविटी रिपोर्ट को सबमिट करने कह। तो बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट।
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लेटर लेटर नंबर होची 1276 डेटेड रही 1/10/2021 लेटर टी कराची ओडिशार समस्त डीओ को सब्जेक्ट रही विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन ओपन बुक साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021-22 जहाँ भारतर गोटे सर्वबृहत ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन माध्यम रे साइंस टैलेंट गुड को सर्च करा जाई पारिबो 2021-22 शिक्षा वर्ष पई जातीय स्तर रे साइंस टैलेंट सर्च करिया निमित्त विद्यार्थी विज्ञान मंथन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जिवो तो सेति पई डीओ मानन को कहा जायछे एही इन्फॉर्मेशन टिकु समस्त स्कूल गुड को सर्कुलेट करबे जहा फल रे एही एग्जामिनेशन रे छात्र छात्रि माने भाग नै पारिबे तो बड़ अपडेट देखबा परवर्ती अपडेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटर लेटर नंबर अच्छी 40025 डेटेड रही 4/10/2021 लेटर टी कराई टू द जनरल मैनेजर ओकाक आचार्य विहार भुवनेश्वर को सब्जेक्ट रही एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर ऑनलाइन वैलिडेशन बाय प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फॉर ई मेधावृत्ति गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना एंड व्यासकवि फकीरमोहन भाषा वृत्ति फॉर द ईयर 2020-21 तो देखंतु छात्र छात्री मानंग पई उद्दिष्ट ई मेधावृत्ति गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना एवं व्यासकवि फकीरमोहन भाषा वृत्तिर ऑनलाइन वैलिडेशन प्रक्रिया को एक्सटेंशन करिया पई कहा जायछि तो एही एक्सटेंशन टिकु 31/10/2021 पर्यंत बढ़ेबा पई कहा जायछि तो बड़ अपडेट देखिबा परवर्ती अपडेट वर्तमान बड़ खबर सरकार तरफ ठिका कर्मचारी को पूजा भेटी प्रथम वर्षर मिले अधिक 50% दरमा तो निश्चित भाव में गोटे खुशी खबर टे रही देखा कौन रही अधिक अपडेट आज कैबिनेट राज्यर समस्त ठिका कर्मचारी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति होती ठिका कर्मचारी को मिली पूजा भेटी एणिकी समस्त ठिका कर्मचारी को प्रथम वर्षर अधिक 50% दरमा मिलिबो यासह पूर्व नियमानुसार 6 वर्ष पर नियमित हेबे प्रथम वर्षर 50% अधिक देवा को वार्षिक 250 कोटी टंका खर्च हेबो आहुरी मध्य खुशी खबर रही नियमित कर्मचारी भली मेडिकल खर्च ठिका कर्मचारी माने पाइबे कैबिनेटर निष्पत्ति नहीं मंत्री प्रताप जेना सूचना देछंती एणिकी ठिका कर्मचारी को इनिशियल अपॉइंटमेंट कुहा जिबा को निष्पत्ति होईची आज राज्य कैबिनेट बैठक में मोट 16 प्रस्ताव उपर मोहर बाजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार अनुषित होता यह बैठक में 16 प्रस्ताव यथाक्रमे अर्थ खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग प्रस्ताव को मंजूरी मिली से हीपरी साधारण प्रशासन और गृह और अबकारी विभाग प्रस्ताव को मंजूरी मिली पंचायतराज श्रम विभाग प्रस्ताव को मंजूरी मिलता बेले 16 विधानसभा 17 को मंजूरी मिली तो बड़ अपडेट टे समस्त ठिका कर्मचारी मानी खुशी खबर टे देखा परवर्ती अपडेट बड़ खबर पीएफ खाताधारी खुशी खबर बैंक को आसीबो सुध पैसा एमती चेक करूँ स्टाटस तो प्रथम जानवा केवे बैंक खाता को आम सुध आसीबो ईपीएफ खाता को सुध आसीबो ईपीएफ रो 6 कोटी अधिक अकाउंट होल्डर्स को पाई खुशी खबर एथर कर्मचारी को दीपावली रे उपहार मिलवाक जाउछि तो दीपावली रे समस्त ईपीएफ खाताधारी मानको सुध मिलिबो पीएफ खाताधारी को बैंक खाता रे खूब शीघ्र सुध राशि ट्रांसफर हेबाक जाउछि सूचना अनुसार ईपीएफ खूब शीघ्र निज 6 कोटी अधिक ग्राहकों खाता 2020-21 सुध ट्रांसफर करने घोषणा करें कही रखु सरकार पूर्व आर्थिक वर्ष 2020-21 पीएफ 8.5% सुध ट्रांसफर कर प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल देखा सारी श्रम मंत्रालय निष्पत्ति निज सहमति ईपीएफ खूब शीघ्र सब्सक्राइबर खाता 8.5% सुध राशि जमा कर दीपावली पूर्व कर्मचारी खाता पैसा ट्रांसफर हो पाए तो निश्चित भाव में गोटे खुशी खबर टे कही रखु ईपीएफ आर्थिक वर्ष 2020-21 सुध दर 8.5% जारी रखापी निष्पत्ति नहीं जहाँकि 7 वर्ष सबुठू कम आपण को कही रखु गत वर्ष सुध एतिक हिंसा वर्ष 2019 ईपीएफ 8.65% सुध मिलता 2018 8.55% सुध दि जाता ईपीएफओ निज खाताधारी को कौन भी फर्जी कल्रु सतर्क रही परामर्श दे आलर्ट जारी कि ईपीएफओ केबे भी फोन कल्रे निज खाताधारी को ईएन नंबर आधार नंबर पैन नंबर बा बैंक डिटेल्स मागेनी किंबा फोन कल करेनी तो बड़ अपडेट टे देखा परवर्ती अपडेट अंतिम अपडेट गोटे बड़ अपडेट रही केन्द्र कर्मचारी बड़ खबर पुणी 3% बढ़ महंगा भत्ता जानतु केबे मिलिबो खुशी खबर सूचना योग्य जुलाई में केन्द्र महंगा भत्ता 17% रु 28% को एवं घर भड़ा भत्ता 24% रु 27% को वृद्धि करथिला वर्तमान केन्द्र कर्मचारी महंगा भत्ता पुणी 3% वृद्धि पाइबो जहाँ पर 31% होइजिबो
खूब शीघ्र लक्ष लक्ष केन्द्र कर्मचारी और पेंशन भोगी को आउ एक बड़ खबर मिलवाक जामानकर महंगा भत्ता पुणि थे वृद्धि होगाक जाउची। जुलाई 2021 पई महंगा भत्ता 300 टका वृद्धि करने को स्थिर होई तबे केन्द्र सरकार केबे यार घोषणा करिवे सेही तारीख ए पर्यंत स्थिर होना कितु सूत्र मिलता खबर अनुजाई चलित पार्वण ऋतु में मोदी सरकार कर्मचारी मानंकु एही उपहार दे पारंती। वास्तव में चलित वर्ष जून मध्य एआईसीपीआई तथ्य यह स्पष्ट हो जुलाई पर 3% महंगा भत्ता वृद्धि हो पारे। केन्द्र सरकार महंगा भत्ता अर्थात डीए को 17-28% को वृद्धि करते समय कर्मचारी आउ एक खुशी खबर अच्छी दीपावली पूर्व से महंगा भत्ता आहुरी 3% वृद्धि पाइबो आशा करदी यह घटे तेबे समुदाय महंगा भत्ता 31 शतकड़ा हेबो अर्थात यही दीपावली कर्मचारी खुशी खबर आनीपे। तो निश्चित भाव बड़ अपडेट ये आज अपडेट गुड़िक समाप्त होती। धन्यवाद।